दोस्तों आपको भी हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। साफ दे रही, देख रही कितना साफ दे रही उस कट्टर ईमानदार के लिए। मैं कहना चाहूंगी ये बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है। मेरे पति अभी थोड़े दिन पहले शिकार हुए थे रोड एक्सीडेंट का, और छोटे छोटे बच्चे शराब पी के गाड़ी चला रहे थे। जब मैंने उनकी एज देखी और कंप्लेंट कर रही तो मैं उनकी एज देख के घबरा गई। 15 साल के बच्चे को मैं कैसे जेल के अंदर डाल दूं? आप बताइए, एक 15 साल का बच्चा भी यहाँ पे शराब पी रहा है। केजरीवाल जी को होश है कि वो बच्चों का फ्यूचर कहाँ पे लेके जा रहे हैं आने वाले समय में? शर्म आनी चाहिए केजरीवाल को, जाके डूब के मर जाइए कहीं। हमारे छोटे छोटे बच्चे जिनको धार्मिक चीजों के बारे में पता होना चाहिए, आज उनको शराबों के बारे में पता है, आज उन्हें हर एक नशे पते के बारे में पता है। ये खात्मा करने के लिए बहुत अच्छा हुआ है कि वो जेल के अंदर गए, और मैं कहती हूँ तय जिंदगी उनको जेल के अंदर ही बैठना चाहिए। हमारे घर परिवार बहुत सुखी है उनके बगैर। अन्ना हजारे के साथ आंदोलन करने आए थे, क्या करने आए थे? जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ने आए थे वही भ्रष्टाचार पूरी पार्टी में फैला दिया। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल को, जाके डूब के मर जाइए कहीं। आप पिंक ठेके खोल रहे थे, क्या सोच के खोल रहे थे कि आदमी तो पी के गिर ही रहे हैं, औरतें भी शुरू हो जाएंगी? आओ जी पिए और बैठो और जाओ। क्या सोच के करा था कि चूल्हा चौका सब बंद हो जाए? क्या सोच के आप फ्री कर देते हो कि बच्चे नकारा हो जाए? इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें माफी मांगनी चाहिए। डूब मरो। विरोधी दल जो है वो विरोध करते जा रहे थे, उनके बारे में क्या? अब अच्छे काम होंगे तो बुराइयां तो थोड़ी बहुत होंगी। वा, 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 वा। तो मतलब अगर डेवलपमेंट हो रहा है, चार चीजें हो रही है, तो कुछ लोगों को वो होता है ना, नकारात्मक ऊर्जाएं भी घूमती रहती हैं सकारात्मक के साथ। करती क्या है आप? मैं ऐसा इंजीनियर हूँ और अभी हाउसवाइफ हूँ। हाँ, अगर बात करें रोजगार की तो कहा जा रहा है रोजगार नहीं दे पा रही है सरकार, क्या कहना चाहिए? सेफ्टी मिल रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, रोजगार का क्या है? वो भी आने वाले समय पे हो ही जाएगा अगर कुछ कमी है तो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। राहुल गांधी युवा है उनको लेके आओ। कहाँ फादर और कहाँ उनका बेटा? राहुल गांधी बकवास। राहुल गांधी बदलाव की आंधी। कोई नहीं कोई नहीं, सिर्फ मोदी जी नंबर वन थे, हैं और हमेशा रहे। वा, 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 वा। राहुल गांधी जी को क्यों पसंद नहीं करती आप? अरे कांग्रेस पहले, हम कांग्रेस तो दिखाए कुछ नहीं करते। आप कुछ कर रहे हैं, वो तो घूमने के सिवा कुछ नहीं करते। घूमने के सिवा वो कह रहे मोहब्बत की दुकान खोली है। मोहब्बत हो वो मोहब्बत कर ले, उनको राजनीति में लाए फिर मोहब्बत ही करे वो। मोदी ने नफरत फैलाई है हिंदू मुस्लिम वाली, इसको हम मिटा कर आएंगे और मोहब्बत की दुकान इसलिए हमने। अरे रहने दो, मोहब्बत से दुनिया नहीं चलती भाई, मोहब्बत से दुनिया नहीं चलती है। वो तो बोल रहे मैंने देश बदल दिया, देश जोड़ दिया। कहाँ से बदल दिया? कहाँ से जोड़ दिया? कहाँ से बदल दिया? साथ में जुड़े थे ना रैली में, सब पीछे हट गए, सब मोदी सरकार में आ गए फिर से। अच्छा, राहुल गांधी का फिर अकेले रह गए। वाह 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 वाह, देश बदल दिया। तेरा क्या है देश बदलने के लिए? पैदल पैदल जाते क्या ये जनता हमारे पीछे पीछे चलती हुई घर जाएगी? नहीं जाएगी ना। ऐसा नहीं होता कि पैदल चल दो तो कोई भी पीछे पीछे चलता रहेगा, फिर उनका घर भरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो करना होता है खुद करना होता है। तानाशाही कर रही है बीजेपी, किसान भी बैठे हैं सड़कों पे। क्या क्या तानाशाही कर रहे हैं? क्या तानाशाही कर रहे हैं? गरीबों को हक नहीं मिल रहा, किसानों को हक नहीं मिल रहा, मजदूर अभी अभी फ्री का राशन जो खा रहा है उसे पूछना कौन सा राज्य में लोग फ्री का मतलब राशन खा लिया था ये लोग। ये बड़ी अच्छी बात कही है जो कह रहा है कि मतलब ये लोग मतलब वो कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। ये जो कांग्रेस जो है ना, आज तक भारत को कितना नीचा ले गया उसका हिसाब नहीं है। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को, इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें माफी मांगनी चाहिए। डूब मरो कांग्रेस यो। इसकी कहानियां पलट के देखो आप जी, चलेगा पता। आपके पास और कोई मुद्दा नहीं है? आप मुद्दा लाएंगे जातिवाद का लाएंगे, आप धर्म का लाएंगे। आप काम करना चाहते हैं तो ना हिंदुत्व के लिए करना चाहते हैं, ना और लोगों के लिए करना चाहते हैं। क्या एक दो जातियां ही देश में हैं? शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। देश में अगर आपको आना है सत्ता में तो आप सबके लिए करिए ना। आप कुछ मुद्दा उठा लेंगे, आप मोदी जी की तरह आप योजनाएं चलाइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मातृत्व शक्ति के लिए आप काम करिए। अभी मोदी जी ने कितना अच्छा, कितने दिन से कार्यक्रम वो चला रहे थे, नारी शक्ति बंधन अभिनंदन। तो इस तरीके के कार्यक्रम जब आप करेंगे, इस तरीके की चीजें आप करेंगे तो आपके पक्ष में जनता खुद आएगी, मोदी जी नहीं। मोदी जी काम कर रहे हैं वो दिख रहा। आप महिला हैं, आप बताइए कि मोदी सरकार को कैसे देखती हैं?
मोदी सरकार को तो बहुत बढ़िया से देख रहे हैं और विकास भी हो रहा है। मैं खुद एक महिला, आप देख सकते हैं कि इतना समाज के बीच में इकलौता महिला, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी सरकार क्या है। वाह 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 वाह। अच्छा, हाँ, समझा नहीं मैं, इतने पुरुष में एक महिला, मतलब क्या पहले हाल था बताइए। पहले था कि हम लोग इतना इकट्ठा भीड़ में नहीं हो पा रहे थे, चाहे अभी भी गठबंधन में आके जाके देख लीजिए आप, महिला इतना सुरक्षित नहीं है। हम यहाँ सुरक्षित है तो खुलिया में आपके सामने खड़े हैं, डट करके मुकाबला कर रहे हैं। 2024 में विपक्ष लगातार लामबंद है। विपक्ष का कहना है कि इस बार जो मोदी जी हैं या भाजपा है, भाजपा और मोदी जी का सफाया कर देंगे राजनीति से। उनकी ऐसी की तैसी। जिसका खुद सफाया हो रहा है वो दूसरों का क्या सफाया करेगा, आप बताइए। एक व्यक्ति के साथ मिलके कितने लोग लड़ रहे हैं, एक अकेला है यहाँ पे बीजेपी का और वो गठबंधन है, उनको डर है, वो इतने एक साथ मिलके लड़ रहे हैं और यहाँ पर एक अकेला लड़ रहा है, तो आप बताइए कौन जीतेगा। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।